नहीं केशव, मैंने पेरू खाना छोड़ दिया। छिपरी, तू ठीक तो है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू खुश नहीं है? खोई खोई सी, कुमसुम सी है। नहीं चंपा, ऐसा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब चलती हूं, मुझे जाना है। छिपरी, साई से मिलने नहीं चलोगी? अभी नहीं, बाद में। अभी तो मैं कुछ दिन हूं शिरडी में, अपने घर। शिरडी में? अपने घर में? मतलब तुम उस अपने पुराने घर में रहोगी? उस पुराने घर में? उसकी हालत तो बहुत ही खराब है, तुम वहां कैसे रह पाओगी? तुम कुछ दिन मेरे घर में रह लो। नहीं चंपा, घर घर होता है, मैं रह लूंगी। अच्छा चलती हूं। तात्या भाईजा का सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, और हम सब हमेशा तुम्हें याद करते हैं। मैं तुम्हारे आने की खबर उन्हें पहुंचा दूंगी। चल लतिका। आई, काका ने मुझे पेरू दिए। यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं ना, और अपने घर के लोग। पेरू खा, चल। लतिका क्या कहना चाहती थी, और एक उनके घर के लोग, इसका क्या मतलब है? कुछ है जो झिपरी हमें बताना नहीं चाह रही है, छुपा रही है। मुझे झिपरी बहुत खोई खोई सी, बुझी बुझी सी लगी, और ऐसे अचानक बिना खबर किए आई है, और वो भी अकेले, और अपने पुराने घर में रहने की बात कर रही है। कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन वो है क्या? ये तो वही जानती है, जाने दो उसे। लेकिन हमें साईं से इस बारे में बात करनी चाहिए। चलो चलते हैं। ये सब कुछ आप खुद क्यों कर रहे हैं? मैं हूं ना, मैं पानी उबाल देती हूं। रंभा, कुछ जिम्मेदारी बांटी नहीं जाती, जिसकी है उसी को निभानी पड़ती है। कैसे जिम्मेदारी साई? है कोई जिम्मेदारी जो रामजी ने मुझे सौंपी है? साई, पानी तो आप द्वारका माई में भी उबाल सकते थे, फिर यहाँ क्यों? मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ आए, और मैं ये भी जानती हूँ आप जो भी करते हैं उसके पीछे हमेशा एक कारण होता है, मैं बस उसे समझना चाहती हूँ। साई, साई, हम आपको ही ढूंढ रहे थे, किसी ने बताया आप यहाँ है। इस वक्त मेरा द्वारका माई में जाना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं यहां चला आया। रंभा, और यही तुम्हारे सवाल का जवाब भी है। Oh, oh, oh.
हुआ? आप उस जगह को देखकर रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटा, साई, इस द्वारका माई नाम के मंदिर में फिलहाल आ नहीं सकती हूँ, बस दूर से ही दर्शन कर रही हूँ। और दर्शन करने भी इसलिए आप आई क्योंकि मुझे पता है आप अभी यहाँ नहीं हैं। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इस वक्त आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। डरती हूँ कि आपके सामने कहीं मेरे दुखों का बांध टूट ना जाए, इसलिए मैं आपसे अभी नहीं मिल सकती हूँ। लेकिन आपके आशीर्वाद की आज से ज्यादा जरूरत मुझे पहले कभी नहीं रही है, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं निकली हूँ उसमें बस वो ही मेरा इकलौता सहारा है। अच्छा ये तो बताओ, तुम लोग क्यों ढूंढ रहे थे साई को? साई को एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है, इसीलिए। जानते हैं साई, तात्या एक लोटा लेकर आना। तो जी साई। चंपा, थोड़ी देर बाद तुम मुझे यहीं आके मिलना और अपने साथ अब्दुल को भी लेते आना। हम साई को जो बताने आए थे वो तो उन्होंने सुना ही नहीं, और हमें थोड़ी देर बाद अब्दुल के साथ यहाँ क्यों बुलाया है? आखिर क्या बात हो सकती है? स्वामी, साथ में चलो। डॉक्टर पिल्ले, जब से आपका यहां शिरडी में आने का पता चला मुझे बहुत खुशी हुई। सच में अंग्रेज सरकार का ये बहुत अच्छा निर्णय है यहाँ शिरडी में दवाखाना खोलने का, और आप जैसे काबिल डॉक्टर को भेजा है, ये तो सोने पे सुहागा है। मेरे लिए ऐसी राय रखने के लिए शुक्रिया चांदुरकर जी, लेकिन आप यहाँ कैसे? यहाँ मेरे गुरु रहते हैं, उनसे मिलने के लिए आया हूँ। वही नहीं, संभल गया। वही नहीं, ओ वही नहीं, जरा जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ इन्हें? खेत में काम करते करते अचानक चक्कर आ गया इन्हें। इनका बदन भी तप रहा है, शायद इन्हें बुखार है। ये लीजिए। क्या है ये? ये दवा है, मैं एक डॉक्टर हूं, इसे खाने से कल तक बुखार उतर जाएगा। ये लो। धन्यवाद साहब, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम उदी तो ले आई हो ना? हाँ, इसमें घोल दिए। रुको, क्या है इसमें? इसमें हमारे साईं की उदी मिली है। ये उदी ही हम शिरडी वासियों के सारे रोग हर लेती है।
अब मैं थोड़ा आराम करूंगा तो शाम तक मेरा बुखार भी उतर जाएगा। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? राख से कोई कैसे ठीक हो सकता है? आप नए हैं यहाँ, इसलिए नहीं जानते। हमारे साई तो फकीर के बेस में ईश्वर का अंश है। और उनकी उदी चमत्कारी है। अंधविश्वास है ये। बीमारियां दवाइयों से ठीक होती है, राख से नहीं। डॉक्टर पिल्लई, ये गांव वाले साई पर बहुत विश्वास करते हैं। मैंने खुद देखे हैं साई के चमत्कार। चांदूरकर जी, आप भी ऐसी बातें गांव वाले करें तो समझ में आता है, लेकिन आप जैसा पढ़ा लिखा इंसान भी ऐसी बातें करे तो हैरत आती है। बहुत गंभीर स्थिति है इस गांव की। बहुत काम करना पड़ेगा मुझे इस गांव में। गांव वालों को समझाना पड़ेगा कि किसी भी पीर फकीरों पर विश्वास ना करें। वो अपना इलाज किसी डॉक्टर या वैद्य से करवाए। मैं कल से अपना दवा खाना शुरू करूंगा। आते ही शुरू हो गए। आप साई को समझने में गलती कर रहे हैं डॉक्टर पिल्लई। आप गलत समझ रहे हैं चांदूरकर जी। बेहतर होगा इस चर्चा को यहीं समाप्त कर दी जाए। लाख कहें लेकिन मुझे किसी फकीर पर भरोसा है। इनके साथ अक्सर ऐसा होता है, इन्हें पानी देना होगा। मैं इसे पानी मांगता हूं। ये लीजिए। गरम पानी? पागल हो क्या? खांसी में गरम पानी कौन देता है? गरम नहीं, गुनगुना है। अभी तो आपने जब लोटा पकड़ा तो आपको एहसास नहीं हुआ पीने योग्य है पानी। लेकिन गर्म पानी दिया ही क्यों? ठंडा पानी तो दे सकते थे। क्योंकि गर्म पानी आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तुम तो मुझे जानते तक नहीं, तो तुम्हें कैसे पता कि मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा? पिल्ली, साईं से कुछ नहीं छुपता है। तो कह रहे हैं मान लीजिए ना साईं, मतलब ये वही फकीर है? अच्छा, तो तुम ही हो वो जो वैद्य बनकर गांव के भोले भाले लोगों को बरगलाते रहते हैं। मैं कोई वैद्य नहीं हूं, मैं तो उदी के रूप में राम जी का आशीर्वाद लोगों में बांटता हूं। अगर उससे उनको फायदा होता है तो ये राम जी की कृपा है, उनका कर्म है। बातें अच्छी कर लेते हैं, शायद इसी वजह से गांव वाले तुम्हारी बातों में आ जाते होंगे। लेकिन तुम मुझे नहीं जानते और अपनी सेहत के लिए तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूं।
आखिर है तो इंसान ही ना। मेरी बात मानिए, आज से बल्कि अभी से गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। नहीं पीऊंगा। अब तुमने सलाह दी है ना, तो बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा। अब जबकि मैं यहां आ चुका हूं, मैं ये सुनिश्चित करना चाहूंगा कि गांव वाले तुम्हारी बातें सुनना बंद करें। बहुत बेवकूफ बना लिया ना गांव वालों को, अब और नहीं। मैं उनके भले के लिए यहां आ चुका हूं। मैं गांव वालों को अंधविश्वास और अज्ञानता से मुक्त कराऊंगा। बेहतर होगा कि तुम अपना सामान बांधना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द गांव वालों को मेरे दवाइयों पर भरोसा हो जाएगा। उसके बाद कि तुम जैसे फरेबियों के पास कोई नहीं आएगा। चलिए चांदूर कजिए। अगर आप नहीं पिएंगे तो मैं आ जाऊंगा आपको पिलाने। बाकी अल्लाह माले। इनके व्यवहार के लिए मैं माफी मांगता हूं साईं। बेटा, क्या तुम भी डॉक्टर हो? हो तो सही, क्योंकि तुम्हारे हाथ में दुनिया के हर मर्ज की दवा है। लोग इस दवा को संगीत कहते हैं। कौन है ये? ये तो मुझे बहुत अच्छे और दिलचस्प लगे। यही है शिरडी के साईं बाबा, जो सबके चेहरों पर एक पल में मुस्कान ले आते हैं। स्वामी, कहा था ना साथ में रहो, चलो। ये चांदोर करके साथ नया इंसान कौन आया शिरडी में, मुझे पता लगाना चाहिए। जिस गंदी जगह से आई हो जाओ उसी जगह पर, इस दहलीज को पार करके चली जाओगी तब पता चलेगी तुम्हारी हैसियत। अपने सिर के ऊपर एक छत तैयार करो, उसे टिका कर दिखाओ, तब करना बड़ी बड़ी बातें। आई, क्या हम यहाँ इस घर में रहेंगे? नहीं आई, यहाँ से चलो, हम वापस अपने घर चलते हैं। भले ही दादी डांटती है, लेकिन वो घर इस घर से तो अच्छा है। और मैं दादी की डांट सुन लूंगी, लेकिन मुझे वहीं रहना है। चलो ना आई, हम यहाँ से चलते हैं।
बच्ची पहली बार घर आ रही है, उसकी आरती तो होनी चाहिए ना। कैसी आरती? खुशखबरी नहीं, मुसीबत आई है घर में। सोचा था तू वारिस देगी, लेकिन नहीं, तूने भी गरीबों की तरह बेटी दे दी। अब चुपचाप अंदर आ जाओ, बहुत काम पड़े है घर में। आई, क्या सोच रही हो? चले? नहीं लतिका, हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं आई? ये घर रहने लायक नहीं है, हम यहाँ नहीं रह सकते। चलो वापस चलते हैं आजी के घर। लतिका सबूरी रखो, हम इस घर को ठीक कर देंगे। हम माँ बेटी मिलकर इस घर को घर बनाएंगे, रहने लायक बनाएंगे। नहीं ठीक करना इस घर को, नहीं रहना है यहाँ। लतिका सुन, तुम नहीं, मुझे आजी के घर जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ। लतिका सुन तो। नहीं चलो। लतिका सुनो मेरी बात, हम यहाँ नहीं रह सकते। आई का जिद नहीं करती। चलो मुझे आजी के घर जाना है। जिद नहीं करते। आई मुझे आजी के घर जाना है। चुप चुप, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रहने वाले और ये मेरा अंतिम निर्णय है, समझे? तुझे कैसे समझाऊं बेटी, उस घर में हमारे लिए अब कोई जगह नहीं है, ना मेरे लिए ना ही तेरे लिए। मुझे माफ कर दे बेटी। साई ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? किसी जरूरी काम से। साई, इससे पहले तुम काम बताओ, तुम्हारे लिए कुछ जानना जरूरी है। वो जो अभी केशव और चंपा ने हमें बताया। भाई सामा, वो सब मैं बाद में सुनूंगा। फिलहाल हमें कुछ सामान इकट्ठा करना है और फिर कहीं जाना है। इस तख्ती को वहां लगाओ। जी साहब। जब तक औषधालय के लिए नई जगह का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक यहीं आज से ही अपना औषधालय शुरू करता हूं, ताकि लोगों को पता तो चल जाए कि यहां सरकारी औषधालय खुल चुका है और इलाज के लिए डॉक्टर उपलब्ध है। जी सर। सरकारी औषधालय मतलब शिरडी में डॉक्टर आ गया है, यानी सरकार की रुपया डूबने वाली है। सही, उनके पास इक्के दुक्के मरीज आते थे, अब तो वो भी नहीं आएंगे। स्वामी, खबरदार, अगर इसे यहाँ रखा तो ऐसी चीज तो घर में होनी ही नहीं चाहिए। तुम्हारी जिद की वजह से मैं मान गया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसे मेरी आंखों के सामने लाओ। ले जाओ इसे अंदर और ऐसी जगह रखो जहां मुझे ये दिखे ना। हाँ, भूल कर भी इसके तार मत छेड़ना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन अप्पा, मैं संगीत के बिना नहीं रह सकता हूँ। जानते हैं संगीत के बारे में साई बाबा की क्या राय है? उन्होंने कहा कि संगीत ही इस दुनिया की सबसे बड़ी दवा है। बकवास बंद कर। खबरदार, उस फकीर की कोई बात सुनी तो तुम
तुम्हें अगर दवाइयों का इतना ही शौक है तो डॉक्टर बन मेरी तरह, एक गाने बजाने से कुछ नहीं होगा। अब इसे ले जाओगे या तोड़ दूं? जिप्री तू कब आई? अभी आई काकी, मुझे झाड़ू मिल सकती है? हाँ अभी लाती हूँ। शुक्रिया। जिप्री तू अकेली आई? पति साथ नहीं आया? घर में वर्ष हो रही हूं मैं, और फिर से इसे रहने लायक बना सकती हूं मैं, और मैं बनाऊंगी। कोई मेरी मदद करे तो ठीक, नहीं करे तो भी ठीक, मुझे भी किसी की मदद नहीं चाहिए, तेरी भी नहीं। मदद की जरूरत तो सबको होती है। से भूल गए कि आपको तो सब कुछ पता होता है, और हम भी ना मूर्खों की तरह छिपरी के बारे में बताने के लिए आपको बेचैन हो गए थे। शिरडी में आकर अपने दोस्त से नहीं मिलोगी? आई की मदद करने से मना मत करना। भगवान हर जगह तो जा नहीं सकता, इसीलिए उसने मां बनाई।
तुम्हारी आई तो ईश्वर की सबसे प्यारी संतान है। जब ये छोटी थी तब बचपन में ये हर जरूरतमंद की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी और हर संभव मदद करती थी। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे आई ने तुम्हारा भी बहुत ख्याल रखा होगा, तुम्हें हमेशा प्यार दिया होगा, अच्छी बातें सिखाई होंगी, मुश्किल में मदद भी की होगी। तो फिर क्या आज तुम अपनी आई की मदद नहीं करोगी बेटी? माफ कर दो आई, मुझसे गलती हो गई। आप हमेशा मेरी मदद करती हैं, आज मैं भी मदद करूंगी। हम दोनों मिलकर इस घर को रहने लायक बनाएंगे। हम दोनों नहीं, हम सब मिलकर बनाएंगे। नहीं साई, मैं आप सबको तकलीफ नहीं देना चाहती हूं। मैं कर लूंगी। बरसों से मेरे घुटने में दर्द था, मैंने औषधियां ली, वैद्यों को दिखाया, पर ठीक नहीं हुआ। आपने जो औषधि दी और तेल दिया, उसको लगाते और खाते मैं एकदम ठीक हो गया। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी भेंट देना चाहता हूं। लक्ष्मी, सुख में अपनों को आवाज देना स्वाभाविक है, लेकिन दुख में अपनों को आवाज देना धर्म है। जब हम किसी को अपना कहते हैं तो उसके सुख दुख के साथी बन जाते हैं। ऐसे में उन्हें दूर रखना सही नहीं है। और तुमने ये कैसे सोच लिया लक्ष्मी, जब तुमने इस गांव में इतने लोगों की मदद की हो तो हम सब तुम्हारी मदद के लिए आगे कैसे नहीं आएंगे? साई, मैंने किसी के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। मदद छोटी बड़ी नहीं होती है लक्ष्मी। तुम भूल गई रामायण की वो कहानी जो मैंने सुनाई थी? सीता मैया को वापस लाने के लिए, सागर पर सेतु बनाने के लिए राम जी को वानर सेना की, यहां तक कि गिलहरी की भी मदद लेनी पड़ी थी। जब राम जी ने मदद लेने से इनकार नहीं किया तो तुम क्यों कर रही हो? गलती हो गई सही। जब भाई मानकर हर साल राखी बांधती हो तो उस राखी का फर्ज अदा करने का मौका भी तो दो।
जेफरी, जैसे तू बचपन में हुकुम दिया करती थी ना, बस वैसे ही हुकुम दे। बता कहाँ से शुरू करना है। बताओ जेफरी। दाता ने दो हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है। झूठी राह पे क्यों तू जिए है, नेक राह ही है हर का काम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे आ गई शिरडी में। हृदय में दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हो। निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा संता जी, संता जी, जी, ये क्या हो गया? इसे छोड़े संता जी, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। मुझे भी बतानी है। क्या बताना है? हरिओम हरिओम। भविष्य में अगर कोई रोग कष्ट हो तो बिना संकोच आप मेरे पास आइएगा और अपने परिचित लोगों को भी बता दीजिए। जी बिल्कुल। अच्छा मैं चलता हूँ, नहीं तो घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। हरिओम। हरिओम हरिओम। देखा बहू, आज भी दूर दूर से लोग आते हैं मुझसे उपचार करवाने के लिए। अब ये गया ना, ये बहुत बड़ा व्यापारी है मनमाड़ का, उसके गठिया का कोई इलाज नहीं कर सका तो मेरे पास आ गया और देखो 3 मास के अंदर मैंने उसे ठीक कर दिया। 3 महीने में? हाँ। पर ससुर जी, गठिया का रोग तो जाता ही नहीं है। बहू, औरों से नहीं जाता होगा लेकिन मेरे इलाज से अवश्य जाता है। बहू, मेरे आयुर्वेद के ज्ञान की बराबरी शायद ही कोई कर सकता है। मैंने उसे रुबान नीलगिरी जैसे जड़ी बूटियों का लेप तेल दिया था और देखो मेरे औषधि का प्रभाव। अगर आप इतने ज्ञानी हैं, हुनरमंद हैं, फिर भी लोग उस फकीर के पास क्यों जाते हैं? था।
गांव के फटीचर लोग जाते हैं उस फकीर के पास, वो जिनका सामर्थ्य नहीं है मुझसे इलाज करवाने का, वो लोग जाते हैं उस फकीर के पास। देखा ना कैसे लोग आते हैं मेरे पास, धनाढ्य प्रतिष्ठित लोग आते हैं, और इस सच्चाई को वो फकीर कभी बदल नहीं सकता। हरिओम। लेकिन ये स्थिति अब और दिन नहीं रहने वाली सरकार। हरिओम हरिओम, क्या कहा तुमने अभी? सरकार, वो समय आ गया है जब आपके पास इलाज कराने कोई नहीं आएगा। जब भी मुंह खोलेगा अशुभ ही बोलेगा, उल्लू कहीं का। शुभ समाचार नहीं दे सकते तो कम से कम हाय तो मत दे, गधा कहीं का। समाचार ही तो दे रहा हूँ सरकार, जो देखा वही तो बता रहा हूँ। अंग्रेजी सरकार ने पीले नाम के डॉक्टर को शिरडी में भेजा है, सरकारी दवाखाना खुल गया है शिरडी में। मतलब अब जो बचे कुचे लोग आपके पास इलाज कराने आते थे वो सब उसी के पास जाएंगे, यानी आपकी ये दुकान बंद। सरकार, इसे छोड़िए, इससे भी बड़ी खबर मैं लाया हूँ। वो झिपरी है ना, वो लड़की जो बस्ती में रहती थी, वो लगता है अपना बोरिया बिस्तर लेकर वापस आ गई है, और तो और छोटे सरकार उसकी सहायता कर रहे हैं। हाँ। गांव के हिंदी लोगों की सहायता करने की केशव की बचपन की आदत है, इसमें नया क्या है? और झिपरी वापस आ गई है तो उसमें मुझे चिंता क्यों करनी चाहिए? क्या ये डॉक्टर के आने से बड़ी खबर है? जी तो करता ये छड़ी तेरे सर पे मारू ताकि ये तेरी मंद बुद्धि सरपट भागने लगे। सरकार, ये तो समझ का फेर है, जैसा मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से तो मेरी ही खबर बड़ी है। एक तो उस फकीर ने छोटे सरकार को अपने परिवार से, आपसे दूर कर दिया, और दूसरा वो लड़की वापस आ गई। छोटे सरकार उसके टूटे फूटे मकान की मरम्मत कराने में मदद कर रहे हैं, उसकी पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको नया सामान भी ला कर दिया है, और तो और पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने पैसा खर्च किया। समुंदर से दो बूंदे गई तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, अंतर पड़ेगा उस डॉक्टर के आने से। उस डॉक्टर को मैं गांव में टिकने नहीं दूंगा, जल्द से जल्द उससे निपटूंगा। हरिओम। और मुझे उस लड़की से निपटना होगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है आई, अब मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है। घर तो हो गया, लेकिन जिपरी आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो अपने भाई को बताना जरूर। साई, मैं जानती हूं तुम आप सब मेरी मदद करना चाहते हैं, पर मैं क्या तुमसे कुछ मांग सकती हूं? लक्ष्मी, तेरे मन में जो भी है तू बेझिझक मांग सकती है। साई, इस घर की तरह मैं अपनी जिंदगी भी संवारना चाहती हूं, पर ये काम मैं अकेले करना चाहती हूं, बिना किसी की मदद के। मैंने किसी से कहा है कि ये काम मैं कर सकती हूं,
इसीलिए अब मुझे खुद को और अपने कहे हुए को साबित करना है। आज आप सब लोगों के प्यार का मान रखकर मैंने आपकी मदद ली, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि आप सब मेरे प्यार का मान रखकर मुझे अकेला छोड़ दें और मुझे अपनी राह पर चलने दें। मुझे वो हासिल करने दीजिए जो मैं हासिल करना चाहती हूं। लेकिन बेटी, ऐसा क्या हुआ है तेरे साथ? क्या ससुराल में कोई समस्या है? छिपरी, क्या तुम्हारा पति तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है? लक्ष्मी, तुम्हें किसी के भी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने साईं। जिपरी, अब तुझसे कोई कुछ सवाल नहीं करेगा, लेकिन बेटी, हमें तेरी मदद करने से तो मत रोक। हाँ जिपरी, हमें मदद करने दो, तुमने भी तो हमारे साथ ऐसे ही किया था। केशव, बाईसामा, अगर लक्ष्मी नहीं चाहती तो हम इसकी मदद नहीं करेंगे। हम सब तेरी इच्छा का मान रखेंगे लक्ष्मी, तुझे खुद को साबित करने देंगे। तुझे खुद को जिसे सिद्ध करके दिखाना है उसके लिए भी और तेरे आत्मसम्मान के लिए भी। जिस समय जिपरी को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, उस समय साईं राजी क्यों हो गए जिपरी की बात मानकर उसकी मदद ना करने के लिए? प्रणाम साई। राम जी भला करें। मैं भगवंत राव और ये मेरी धर्मपत्नी कलावती। अपनी उलझन लेकर बड़ी दूर से आए हैं आपके दर पे। 5 साल पहले मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए थे। तब से उनकी बरसी पर हम हर साल पूरे विधि विधान के साथ श्राद्ध कर्म करते हैं, पितरों के तर्पण के लिए भोग का भाग रखते हैं, लेकिन हमारे रखे हुए भोग के आसपास भी कौवे नहीं आते, कोई उसे मुंह तक नहीं लगाते। बीते 5 सालों से यही क्रम चल रहा है साईं, और हर साल हमारे भोग को अनछुआ देखकर बहुत तकलीफ होती है साईं, और ऐसा माना जाता है कि इसके कारण पुरखों को मुक्ति नहीं मिलती, जातक पर पितृ दोष बना रहता है, इससे जिंदगी में अशांति बनी रहती है, और यही मेरा हाल है साईं। आज भी इनके पिताजी का श्राद्ध है और कौवे ने आज भी भोग को मुंह नहीं लगाया। ये देखकर इनका कलेजा मुंह को आ गया, वही बिलाप करने लगे। तभी एक राहगीर ने बताया कि हमें अपने इस दुख के निवारण के लिए यहाँ आकर आपसे मिलना चाहिए। अब आप ही बताइए साईं, हम क्या करें? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूं। तुम ऐसा करो, यहीं बैठ के इंतजार करो, जब मुझे फुर्सत मिलेगी तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है साईं, हम यहीं बैठते हैं।
साईं लकड़ी तोड़कर रख रहे हैं? क्या यही इनका जरूरी काम है? और बिना साथ के कैसे अपने पैरों पे खड़ी होती है तू? दो कदम बिना सहारे की चलेगी तो जिस आत्मसम्मान की दुहाई तू देती है उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी, सारी अकड़ निकल जाएगी तेरी। जब भूख से बिलबिलाएगी तब नाक रगड़ते हुए वापस आएगी मेरे कदमों में। जा, तुझे भी जाना है इनके साथ? नहीं आई तो फिर चल अंदर। सासू भाई निकल जाओ, मुसीबत है घर। साई, आज से एक नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ मैं। तुम्हारी मदद नहीं ले सकती क्योंकि ये मेरी अपनी लड़ाई है। बस तुम अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। अपनी लड़ाई पूरी शिद्दत से लड़ो लक्ष्मी, राम जी कामयाबी जरूर देंगे। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए। साई मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। चिपरी है ना? कैसी है तू? कब आई? इतने सालों के बाद तुझे मायके की याद आई? तूने तो शिरडी को भुला ही दिया। हम तुझे बहुत याद करते थे बेटी।
और बेटी तेरा पति शशिकांत वो कहाँ है? उषा काकी वो नहीं आए। तो तू अकेली आई है, तेरे पति को साथ क्यों नहीं लाई? काकी उन्हें बहुत काम रहता है ना, छुट्टी नहीं मिलती। अगर ऐसा है तब तो बहुत ही अच्छा है, काम तो सबको करना चाहिए। खैर तुझे लेने तो आएगा ना, तब मिल लेंगे। अच्छा किया जो तू आ गई, मुझे तो अभी भी याद है बचपन में कितनी शरारती करते थे तुम बच्चे, और तू तो बस्ती की जानती जिपरी। आई लतिका, लतिका क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? आई जब मेरी नींद खुली आप वहां नहीं थी, मुझे ऐसा लगा कि आप भी मुझे छोड़ के चली गई। आप भी मतलब जिपरी, तेरी बेटी क्या कहना चाहती है? और कौन है जो छोड़ के चला गया? कुछ हुआ है क्या बेटी? कुछ नहीं काकी, कुछ नहीं हुआ। बच्ची है ये, बुरा सपना देखा होगा इसने, डर गई होगी झोपड़ी में मुझे अपने सामने ना देखकर। चल लतिक अंदर चल, जल्दी से नहाकर नाश्ता कर ले। हाँ चल। अच्छा काकी बाद में मिलती हूँ आपसे। छिपरी थोड़ी बदल नहीं गई है? कोई भी मायके आएगा तो पहले पड़ोसियों से अपने बच्चे का परिचय कराएगा ना, ये तो अपनी बेटी को लेके अंदर चली गई। सही कह रही हो, सालों का तजुर्बा है मेरा, लिख लो कुछ तो गड़बड़ है, वरना बिना पति के ऐसे अकेले आता है कोई? और उस बच्ची का उस तरह से बात कहना, नहीं आप ठीक कह रही हैं काकी, कुछ तो है। साईं राम जी भला करें। साईं आपने ये मंगवाया था? हाँ। शुक्रिया रंभा, मैं चलती हूँ। साईं पता नहीं कौन सा दुख टूटा है झिपरी पर, कौन सी मुश्किल आई है उसकी शादीशुदा जिंदगी में, समझ में नहीं आता क्या चल रहा है उसके मन में। साई ने कह तो दिया कि ये उसकी लड़ाई है, पर हम किसी को बेबस और लाचार स्थिति में छोड़ तो नहीं सकते, और खासकर उसे जो मेरे दिल के बहुत करीब है। छिपरी को मैंने बेटी का दर्जा दिया है, और एक माँ अपनी बेटी को मुश्किल में देख हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठे रह सकती है, कैसे मदद ना करे वो? अगर हम सामने से छिपरी की मदद नहीं कर सकते तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि उसकी राह आसान हो जाए? जब हम किसी के शारीरिक या आर्थिक रूप से मदद कर पाने में असमर्थ हो, तब उसके लिए खड़े होना, उसका मनोबल बढ़ाना ही सबसे बड़ी मदद है। आप छिपरी को ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? बचपन के दोस्त है वो आपके,
दोस्ती का फर्ज निभाने का यही तो मौका होता है। अब कुछ भी कहिए लेकिन मुझे उस औरत के लक्षण ठीक नहीं लग रहे। क्यों आई है यहाँ पे? शिरडी में तो उसका अपना कोई है भी नहीं, और अगर आना ही था तो अपने पति को साथ में लेके आती, पर नहीं, ये उसका पति आया है और नहीं वो कुछ बता रही है। इसका मतलब क्या समझे? हाँ, भगवान के लिए तेजस्वी, किसी पर झूठा आरोप मत लगाओ। छिपरी को मैं बचपन से जानता हूँ, वो गलत नहीं हो सकती, बचपन की दोस्ती है हमारी। अगर वो किसी मुश्किल में है तो मदद करना मेरा फर्ज है। शिरडी में आप अकेले नहीं है उसकी मदद करने वाले, और मदद मांगनी है तो अपने पति से जाके मांगे, या फिर उस साई से जिस पे आप सब इतना भरोसा करते हैं। आपके पीछे क्यों पड़ी है? तेजस्वी, तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। सब मदद कर रहे थे जिपरी की, और साई भी थे, पर अपनी जेब से पैसे खर्च करके सारा सामान तो आप ही लेके आए थे उसके लिए। देखिए, जो मैं कह रही हूँ वो सोच समझ के कह रही हूँ। जिनको जो करना है वो करे, पर एक बात आपको कह दे रही हूँ, आज से उस झिपरी के आसपास भी आप नहीं भटकेंगे। बचपन की दोस्ती होगी, पर अभी वो बच्ची नहीं है। पर मैं सालों की दोस्ती ऐसे नहीं छोड़ सकता। सालों से बंबई तो मैंने भी छोड़ रखी है, जिसे मैं कभी भी नहीं छोड़ना चाहती थी, और इस गांव में रह रही हूँ ना, मुझे भी करना पड़ रहा है ना अपनी मर्जी के खिलाफ, तो आपको भी करना पड़ेगा। और वो झिपरी तो उस जाति से है जिनके साथ हमारा उठना बैठना भी वर्जित है। भले ही मैं इस गांव में रहूं, लेकिन मैं अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकती, मैं अपने स्तर से नीचे नहीं उतर सकती, और आप उस झिपरी जैसे छोटे लोगों के साथ घुलो मिलो ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। दोस्ती बराबर वालों से की जाती है। आपने कभी देखा है घोड़े और गधे को एक रथ में जुटे हुए? नहीं ना? तो जैसे कहती हूँ वैसे ही रहिए। काश रंभा वैनी की तरह तुम भी दोस्ती का मतलब समझ पाती तेजस्वी। केशव, तुम कब आए? बस अभी अभी दात्य, जल्दी चलो, जिन व्यापारियों से हमें मिलना है वो अब तक चावड़ी पहुंच गए होंगे। बस अभी चलता हूं। केशव, तुम दोनों आते हुए जिपरी का हालचाल पूछते आना, मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। आपने तो कहा था कि आपको कोई जरूरी काम है और इसीलिए हम इंतजार करें, लेकिन मैं कब से वहां बैठे देख रहा हूं कि आप यहां वहां समय व्यर्थ कर रहे हैं। इस तरह किसी को इंतजार करवाना ठीक है क्या? और तुमने जो शांताराम को इंतजार करवाया था उसका क्या? भगवंत बेटा, तुम्हारे बाबा ने मुझसे वादा किया था कि मेरे बेटे की पढ़ाई में वो मदद करेंगे। मुझे बेटे को पुणे भेजना है वकालत की पढ़ाई के लिए। वो बहुत होनहार है, मुझे यकीन है कि वो सफल हो जाएगा, और फिर मैं कुछ ही समय में तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन अभी तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। शांताराम काका, इस वक्त तो पैसे नहीं है, आप 3 दिन बाद आइए ना, तब तक मैं पैसों का इंतजाम करके रखता हूँ। ठीक है। पता नहीं बाबा ने किन किन लोगों को पैसे देने का वादा कर रखा है, अगर इसी तरह पैसे देते रहे
तो पूर्वजों की जमा पूंजी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। मैं बाबा की तरह लापरवाह नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेटा तुमने 3 दिन बाद बुलाया था हमें। हाँ काका बुलाया तो था, पर अब मैं किसी काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ। वापस आऊंगा तो पैसे दे दूंगा। आप एक काम करिए, कुछ दिनों बाद आइए। भगवंत बेटा, भगवंत बेटा, भगवंत बेटा। अजीब मुसीबत है, इतनी बार डाल दिया फिर भी समझने को तैयार ही नहीं है, बस मुंह उठा के बोल जाता है, जैसे यहाँ कोई कुबेर का खजाना रखा हुआ है। समझ में नहीं आता आप उनकी मदद क्यों नहीं करना चाहते, कमी क्या है हमें? तुम चुप हो, मुझे भी क्या बाबा की तरह नादान समझ रखा है? कैसे किसी को भी पैसे दे दूं? एक बार पैसे चले गए ना तो लौट कर वापिस नहीं आने वाले। ये काम करो, तुम ना उन्हें जाकर कह दो कि मैं घर पर नहीं हूं। भगवान बेटा, लेकिन साई आप ये सब कैसे जानते हैं? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे मना करने के बाद शांताराम के बेटे के साथ क्या हुआ? पैसे ना मिलने की वजह से शांताराम का बेटा वकालत नहीं पढ़ पाया और आज वो एक चपरासी की नौकरी कर रहा है उस दफ्तर में जहां वो वकील बनकर काम कर सकता था। अगर तुम उसकी मदद कर देते